महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। ओम नमः शिवाय। मैं अनिल शर्मा। हिंदू धर्म के अनुयायी प्रत्येक चंद्रमास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, लेकिन फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि को सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदिशक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। एक मत के अनुसार शिव की अर्धांगिनी और राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के अवसर पर भगवान शिव की निंदा सुनकर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए अग्निकुंड में छलांग लगा दी थी। जब तक शिव अपनी पत्नी को बचाने वहां पहुंचते तो सब कुछ समाप्त हो चुका था और शिव ने क्रोधित होकर सती का पार्थिव अंश लेकर तांडव किया था। वो दिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ही थी और उस दिन को हुए शिव तांडव के कारण शिव की रात यानी महाशिवरात्रि का नाम दिया गया। एक मतानुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न जगहों में प्रकट हुए थे। यह सभी शिवलिंग अलग अलग 64 स्थानों में स्वयं प्रकट हुए थे। इन 64 लिंगों में से 12 लिंगों की पहचान हुई, जिन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा से अति प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ही इस दिन भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु विष का पान किया था और पूरी सृष्टि की रक्षा इस विष से भी की थी। महाशिवरात्रि के पौराणिक महत्व के साथ साथ इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो फागुन मास की चतुर्दशी की रात यानी महाशिवरात्रि की रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि इंसान के अंदर की ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगती है, यानी प्रकृति व्यक्ति को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने में मदद करती है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ऊर्जा का नया स्वरूप उत्पन्न होता है। उस रात ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह पूरी तरह उमड़ते हैं। जैसे पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को देखकर सागर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उछाल लेती हैं, इसी प्रकार साल में एक बार फागुन की चतुर्दशी यानी फागुन की अमावस्या से पहली रात सृष्टि के ग्रहों की दशा इस प्रकार होती है कि ग्रहों की स्थिति का असर पृथ्वी पर इस प्रकार होता है कि उन सभी ग्रहों की किरणें पृथ्वी पर एक ऊर्जा का पुंज बनकर पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों पर असर डालती है। बस उस ऊर्जा पुंज को ग्रहण करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। इस ऊर्जा को प्राप्त कर हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, जो सहजता से हमारी भौतिक जीवन यात्रा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक रूप से उस स्तर पर पहुंचा देती है जिस स्तर को पाने के लिए हमें बहुत सतत प्रयास करना पड़ता है। योगी व्यक्ति इसको एक व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि आम जनमानस महाशिवरात्रि को रात भर जागकर शिवालयों में शिवलिंग पर जल आदि चढ़ाकर और पूजा करते वक्त कमर को सीधी कर अपनी रीढ़ को सीधा रखकर ध्यान मुद्रा में बैठकर उस ऊर्जा पुंज को अपने में आत्मसात कर सकता है। धन्यवाद।